हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लूइड फिज़िक्स। तो इसके पहले हम दो टाइप के फिज़िक्स पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले देखा था रिजिड बॉडी फिज़िक्स, उसके बाद हमने देखा था क्लॉथ फिज़िक्स, और उसमें ही हमने ये कोलिजन का यूज़ कर लिया था। आज हमको देखना है फ्लूइड फिज़िक्स। तो हम क्या बनाने वाले हैं, मैं पहले बता देता हूँ कि एक कप है, उसके अंदर हम कुछ भी वाटर, कॉफ़ी, चाय, आप जो चाहे वो पोर कर रहे हैं ना, उस टाइप से। तो पहले तो मैं इस क्यूब को डिलीट कर देता हूँ, और इसके पहले की क्लास में जो हमने एक कप बनाया था, मैं उसको यहाँ पर इम्पोर्ट करता हूँ। अब देखो, यहाँ एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि कोई भी आप मॉडल कहीं और बना के सेव करते हो, तो उसको आप अपनी जो दूसरी फाइल है उसमें कैसे इम्पोर्ट करते हैं ब्लेंडर में, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कोई यहाँ पर कप लेके आना, जो हम पिछले क्लास में बनाया था, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं अपेंड। फाइल में जाके अपेंड, अपेंड पे क्लिक करोगे, या आपसे लोकेशन पूछेगा आपका, जहाँ पर भी मॉडल आपने सेव करके रखा है उस फाइल में जाके आप देखोगे तो इतने सारे फोल्डर्स दिखाएगा। आपको ऑब्जेक्ट में जाना है, और यहाँ पर तीन चीज़ें, कैमरा, लाइट, कप, क्योंकि हमने वहाँ पर सिर्फ कप बनाया था, कैमरा और लाइट पहले से था। तो कप को ओपन कर लीजिए, तो यहाँ पर कप इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अपेंड बोलते हैं उसको। तो ये कप तो आ गया हमारा। अब हमको क्या करना है, इस कप के अंदर पोर करना है कुछ भी चीज़। तो देखो, फ्लूड फिजिक्स में तीन चीज़ें मेन होती है, ठीक है। एक तो वो चीज़ जो जिसके थ्रू वाटर या जो भी आप पोर करना चाहते हो वो फ्लूड आएगा, दूसरी चीज़ जिस पर वो फ्लूड स्ट्राइक करेगा, जैसे यहाँ पर हमारा कप है, और तीसरी चीज़ एक होता है डोमेन, जिसको बोलते हैं, मतलब हमारा जो फ्लूड है उसका वर्ल्ड कितना रहेगा। जैसे हम है ना, अगर पूरा का पूरा वर्ल्ड जो हमारा यहाँ पर 3D वर्ल्ड है, अगर उसको पूरा दे देंगे तो वो बहुत ज़्यादा लैग करेगा, मतलब लैग क्या करेगा, चलेगा ही नहीं, क्रैश हो जाएगा ब्लेंडर। तो उसको हमको एक वर्ल्ड बताना होता है कि आप इतने से वर्ल्ड में आप सिर्फ फ्लूड को अप्लाई करो, ऐसा। तो वो तीन चीज़ें, तो उसमें से हमारे पास ये एक चीज़ है, अभी हमारा कप है। मैं अभी के लिए कैमरा और लाइट को हाइड कर देता हूँ। अब हमको चाहिए ऐसी कोई चीज़ जिससे हमारा फ्लूड पोर हो। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक स्फीयर ले आता हूँ, यूवी स्फीयर ले आता हूँ। इसको ऊपर ग्रैब करके इसको मैं थोड़ा सा एक्स में पीछे कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा फ्लूड ऐसा करके इसमें पोर हो। इसका थोड़ा सा मैं साइज़ भी रिड्यूस कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया जहाँ से हमारा फ्लूड आएगा। तीसरी चीज़ हमको चाहिए डोमेन। तो डोमेन जनरली हम क्या करते हैं, एक क्यूब बना लो, आपको जितने एरिया में डोमेन चाहिए। तो हमको मेनली क्या चाहिए, एक बार ध्यान रखना कि जो दोनों चीज़ें, एक जिस पे वो स्ट्राइक करने वाला है फ्लूड, और जिससे निकलने वाला, वो दोनों आपके डोमेन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर फ्लूड अप्लाई हो रहा है। तो हमको क्यूब इतना बड़ा लेना है कि वो दोनों चीज़ें उसमें कवर हो जाए। अब देखो, आप जितना ये बड़ा करोगे ना, उतना ज़्यादा लैग करेगा, मतलब वो अभी आप देखोगे वहाँ पे बेकिंग में प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, उससे अच्छा इसको हम छोटा ही रहने देते हैं क्यूब को, हम इस कप को और छोटा कर लेते हैं। हमारा क्या है कि थोड़ा सा टाइम बच जाएगा उसमें, क्योंकि बेकिंग में बहुत टाइम लगता है उसकी। अब देखो, आपको ये भी दिखाई नहीं दे रहा अंदर कप, और आपको क्या है, डोमेन का ज़्यादा काम नहीं होता, बस इसका इतना काम है कि कितने एरिया में आपको फ्लूड चाहिए। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ हो जिसको आपको सॉलिड व्यू की नीड नहीं है, तो उसके लिए क्या करो, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके, व्यू पॉइंट डिस्प्ले में जाके, यहाँ पर जो डिस्प्ले टेक्सचर्ड है उसको वायर कर दो। देखो, इस डोमेन में क्या है कि हमको थोड़ा वायर फ्रेम में इजी काम होता है। अब जैसे आप वायर फ्रेम करोगे तो सब कुछ वायर फ्रेम हो जाएगा, बट हम नहीं चाहते सब कुछ, हमको सिर्फ हमारे डोमेन को वायर फ्रेम करना था, इसके लिए हमने वहाँ पर जाके किया। तो ये हमारा डोमेन होगा। अभी भी जैसे ये बहुत बड़ा है, मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, बट इस कप को इसके अंदर आना चाहिए ना। इसको मैं थोड़ा सा ग्रैब करके इधर रख लेता हूँ। अब हमारा जो स्फीयर है, इसको भी इसके अंदर लाना है, तो इसको भी मैं इसके अंदर ले आया, और इसको थोड़ा सा वो साइड रिड्यूस कर दिया, ठीक है। हमारा बेसिक सेटअप तैयार हो गया है, यहाँ से हमारा फ्लूड अब पोर होगा इसके अंदर, और ये पूरा इस वर्ल्ड में काम करेगा। अब मॉडलिंग हो गई हमारी, मतलब जो काम था वो फिजिक्स अप्लाई कैसे करते हैं। तो बारी बारी से किसी को भी, जैसे इसको हमको सिलेक्ट करना है, फिजिक्स प्रॉपर्टी में जाके फ्लूड अप्लाई कर दो। अब जैसे आप फ्लूड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे टाइप पूछता है, तो टाइप में देखो, डोमेन, फ्लो, इफेक्टर, ये तीन टाइप की चीज़ें मेन होती, पता है। तो हमारा ये जो है, ये फ्लो डिवाइस है हमारा, तो हम इसको फ्लो दे देते हैं।
जैसे ही आपने फ्लो पे क्लिक किया, यहाँ पे सेटिंग आ गई। तो इसमें हम कुछ चेंज, जैसे अभी हमको क्या है, हम फ्लूट देख रहे हैं, जैसे स्मोक, ये सब फ्लूट की कैटेगरी में आते हैं ना, कि इस टाइप से। तो हमको अभी यहाँ पे लिक्विड चाहिए सर, तो हम इसको लिक्विड दे देते हैं। और फ्लो बिहेवियर, इसको ज्योमेट्री के बजाय इन फ्लो कर दो। अब जैसे इसका नाम इन फ्लो है, बट ये वर्क वैसे ही करता है, हम आउट फ्लो नहीं बोलेंगे ना इसको। यहाँ पर ब्लेंडर में इन्होंने इन फ्लो के नाम से दिया है, तो हमको यहाँ से जो वाटर पोर करना है, तो इसको ज्योमेट्री की बजाय इन फ्लो दे दो। और इसमें एक और प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि क्या होगा, अगर अभी आप इनिशियल वेलोसिटी नहीं दोगे ना, तो ये सिंपल इसके नीचे से पानी निकलेगा इस स्टेप से, बट हम चाहते कि ऐसा आए, तो हमको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए कुछ। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, रेड वाला एक्स एक्सिस है। तो इनिशियल वेलोसिटी को चेक करके एक्स एक्सिस में अभी हम अभी के लिए कुछ भी रैंडम वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे देते हैं। उसको आप बाद में चेंज कर लेंगे अगर हमको सही से नहीं सिमुलेशन होगा तो। इसका काम हो गया। फिर इस कप को भी फ्लूट दे दो, बट इस कप को हमको देना है इफेक्टर। इफेक्टर मतलब एक्चुअली वही है कि कहाँ पर स्ट्राइक करेगा वो, है ना। ये कॉलिजन आ गया देखो यहीं पे। तो अभी के लिए मैं इसको बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज है वही रहने देता हूँ। और इस क्यूब को सिलेक्ट कर, फ्लूट सिलेक्ट करके इसको दे दो डोमेन। अब डोमेन टाइप में अभी हमको गैस नहीं चाहिए, अभी हमको चाहिए लिक्विड, तो इसको लिक्विड कर दो। अब जैसे आप लिक्विड पे क्लिक करोगे, ये फिर से टेक्सचर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको फिर से आप यहाँ पे जाके वायर फॉर्म में कर दो, क्योंकि इसका उतना काम नहीं है अभी। अब देखो ये सारी चीज़ें हमने अप्लाई कर दी। डोमेन में थोड़ी बहुत और प्रॉपर्टीज थी, वो देख लेते हैं। रिजोल्यूशन देखो, ये जितना ज़्यादा होगा फ्लूड आपका उतना अच्छा स्मूथ होगा, बट ये जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा टाइम लेता है वो सिमुलेशन होने में। तो अभी मैं इसको बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज़ है वही रहने देता हूँ। जो मेन वैल्यूज चेंज करनी है वो मैं बता देता हूँ आपको, ये सब आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये सिमुलेशन मेथड वगैरह ये सब ऐसे ही ठीक है। अब देखो, अभी आप अगर नॉर्मली इसको क्या करोगे, प्ले करोगे, देखो आप देखोगे ये कुछ पार्टिकल टाइप में आ रहा है ना, फ्लूड नहीं है ये। और ये जो फीचर ही है अभी नया ही आया है, मतलब जो 2.8 के बाद से जो आया था उसमें पार्टिकल वाली चीज़ें आ गई है। तो उससे क्या होता है कि आपका थोड़ा सिमुलेशन जल्दी तेज़ी से होता है, क्योंकि आपको पार्टिकल्स के थ्रू पता चल जाता है कि कैसा बेकिंग होने वाला है। तो अभी हमको जैसे पता चल रहा है कि हमारा जो फ्लूड है इसके अंदर नहीं जा रहा है, तो उसके हिसाब से हमको उसकी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी हमने 2 मीटर पर सेकेंड दे के रखी है, तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे फिर से आप प्ले करोगे, तो अभी भी ये वही प्ले हो रहा है जो पहले प्ले हुआ था। क्यों? क्योंकि इसने वो क्या थोड़ा सा बेक कर लिया है। तो आप क्या करो, जब भी ऐसा कुछ हो तो रिसेट करने के लिए क्या करो, कुछ भी एक सेटिंग चेंज कर दो या डोमेन में, और फिर से उसको वही सेटिंग पे ले आओ, तो वो जो नई सेटिंग के साथ अब वर्क करेगा। देखो अभी इसके अंदर चला गया। अब देखो इसके अंदर तो जा रहा है, बट ये कप के बाहर भी आ रहा है फ्लूट, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये कप के अंदर ही फ्लूट चाहिए हमको तो। और आप एक चीज़ देखोगे, ये देखो ये जो फ्लूड है पूरा डोमेन के अंदर ही है, इसके बाहर नहीं जा रहा है ना, क्योंकि इसको इतना ही डोमेन दिया है हमने। तो पहले तो ये कप वाली प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सरफेस थिकनेस 0 है। इसको आप थोड़ी सी वैल्यू दे दो, जैसे इसको आप 0.1, है ना, 0.1 इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ। और फिर से डोमेन में इसको अनचेक करके चेक कर देता हूँ। अब फिर से जब मैं प्ले करूँगा, देखो अभी क्या हुआ, फ्लूड बाहर आ रहा है बट थोड़ा कम हुआ है ना। तो आप उसके हिसाब से थिकनेस चेंज करते रहो। जैसे अभी मैं और इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मान लो मैं इसको 1 ही कर देता हूँ। और फिर से मैं जब इसको प्ले करूँगा, तो देखो अब फ्लूड जो है वो इसके अंदर ही है बट उसके ऊपर से बाहर आ रहा है, तो ये ठीक है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही, क्या आप देखो। तो फिर से मैं प्ले करूँगा, आपको पता चलेगा। या मैं वायर फ्रेम मोड में दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो। ठीक है, अभी हमारे कप की थिकनेस तो इतनी है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस को ये कंसिडर ही नहीं करा, क्योंकि हमने जो सरफेस थिकनेस बहुत ज़्यादा दे दी है। तो क्या हो रहा है, हमारे कप का जो होल था वो कम हो गया है। तो ये जो सरफेस थिकनेस की वैल्यू है, इसको आपको थोड़ा बदल बदल के देखना होगा कि आपकी कौन सी वैल्यू परफेक्ट आपके मॉडल के हिसाब से काम कर रही है ना। जैसे अभी ये पूरा कप सही से काम नहीं कर रहा है, तो अभी हमने बहुत ज़्यादा दे रखी है, तो
इसको मैं 0.3 कर देता हूँ। जब इसको फिर से सिमुलेशन करोगे देखते क्या होता है। ये वायर फ्रेम मोड में ज़्यादा अच्छे से पता चला। देखो अभी क्या हुआ, अभी अभी लग रहा है कि हाँ हमारे कप की पूरी थिकनेस कवर हो रही है ना। ये देखो ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें सेटिंग हो गई। अब ये जो पार्टिकल्स है इसको हमको फ्लूड बनाना है ना। अभी के लिए मैं जैसे 0.3 को रहने देता हूँ सरफेस थिकनेस, और अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो जितना जो आपका मॉडल जितना रिक्वायरमेंट होगा। अब इसको जब हमको फ्लूड में कन्वर्ट करना है वो कैसे होता है, डोमेन आपका सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर नीचे जाके मैश को चेक करना होगा। तो मैश को जैसे ही चेक करोगे, अब देखो जैसे मैंने बैक किया ये पूरा का पूरा डोमेन गायब होके यहाँ पर आ गया। मतलब ये डोमेन के अंदर जितना फ्लूड था अब वही मैश बनेगा। तो डोमेन का सबसे मेन काम ये है कि डोमेन के अंदर ही पूरा फ्लूड है, वही फ्लूड में कन्वर्ट होता है। आप जितना बड़ा डोमेन दोगे उतना उतना फ्लूड आएगा, ठीक है, ये मेन होता है। अब देखो अब जब प्ले करोगे आप तो ये मैश के फॉर्म में आ रहा है, पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं आपको। अब ये थोड़ा फ्लूड जैसा फील आया। अब ये एकदम फ्लूड इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसको क्या टेक्सचर की जगह हमने इसको कर रखा था वायर फ्रेम। तो हम इसको फिर से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके डिस्प्लेज में जाके टेक्सचर्ड कर दो। देखो ये अब ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा है ना, ये बड़े बड़े ट्रायंगल टाइप के और ये सारी चीज़ें, ये इसके लिए है कि जो इसका आपने रिजोल्यूशन सेट करके रखा है अभी 32 है। अगर इस रिजोल्यूशन को चेंज करोगे, जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन रखोगे उतना फाइन होता है ये सिमुलेशन। तो हम क्या करते हैं इसको 32 से चलो थोड़ा बढ़ा के 50 कर देते हैं। फिर से बैक करते हैं, इसको प्ले करते हैं। अब देखो थोड़ा ज़्यादा लैग करने लग गया ये, है ना। तो वो जितना आप रिजोल्यूशन बढ़ाओगे उतना स्मूथ तो होगा बट उतना ज़्यादा लैग करेगा, ठीक है। ये देखो सिमुलेशन लैग कर रहा है, बट एक बार लैग करेगा वो, एक बार बैक होने के बाद वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अब जैसे अभी हमको थोड़ी ये फ्लूड की जो थिकनेस है, मतलब ये जो इतना मोटा आ रहा है ना सिलेंडर टाइप पे, ये हम चाहते हैं कि थोड़ा कम आए। तो उसके लिए क्या करो, सिंपल सा आपका जो स्फीयर है जहाँ से हम जिसको हमने इनफ्लो दे के रखा है, ठीक है, उसको उसका साइज़ रिड्यूस कर दो। तो उसके हिसाब से अब जैसे उसका साइज सिर्फ रिड्यूस करोगे और प्ले करोगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बेक हो चुका है इतना पहले से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही डोमेन को सेलेक्ट करके कोई भी एक सेटिंग को चेंज करके फिर से अप्लाई कर दो, तो वो रीसेट हो जाता है। अब ये नया फ्लूड आएगा देखो इसमें से। अब जब आपने थिकनेस कम कर दी तो उसके हिसाब से ये देखो रिजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आती है इसमें, है ना। तो अब हमने रिजोल्यूशन कम किया तो ये थिकनेस के कारण ये थोड़ा टूट गया है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना होगी, है ना। जितनी सेटिंग्स आप चेंज करोगे, जैसे मैं स्फीयर को थोड़ा और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, और इसको फिर से डोमेन को बेक करके देखते हैं। तो ये सेटिंग्स हमको बस बारी बारी से हमको जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है जा रही है उसके हिसाब से सेटिंग्स चेंज कर लो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये ठीक दिख रहा है अभी ना, रिजोल्यूशन 50 रखा हुआ है और ये फ्लूड का सिमुलेशन हो रहा है। ये प्रॉपर एक कप में हमारा फील होगा, फिर ये पूरा फील होने के बाद कप में से बाहर आ जाएगा। अब ये हमको जैसे मान लो लग रहा है कि हमारा ठीक है, हमको अच्छा लग रहा है सिमुलेशन, तो हमको बेक करना ज़रूरी है। बेकिंग क्या होता है, देखो ये डोमेन सिलेक्टेड है, डोमेन में यहाँ पर नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर कुछ कैश नाम से एक टैब है, इसमें लिखा है फ्रेम स्टार्ट 1 से 250, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 से 250 तक ही बेक कर रहे हैं, और टाइप में रिप्ले है तो यहाँ पर कोई बेकिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इस रिप्ले को मैं चेंज करके जब आप मॉड्यूलर करोगे या तो, है ना, तो देखो आप मॉड्यूलर करोगे जैसे, तो यहाँ पर एक सेटिंग में बेक डेटा आ जाएगा। पहले जब रिप्ले था तब नहीं था देखो, है ना, यह सेटिंग में कोई बेक का ऑप्शन नहीं था, बट जैसे आप रिप्ले को मॉड्यूलर करोगे तो ये सेटिंग में बेक डेटा का ऑप्शन आ जाएगा, और आप इसको ऑल कर दोगे तो यहाँ पर बेक ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इसमें क्या होता है, मॉड्यूलर में सिर्फ सेटिंग को बेक करेगा, बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, बट अगर आप ऑल करके बेक कर लोगे तो सारी की सारी सेटिंग्स जो आपने सेलेक्ट कर रखी है उसके हिसाब से बेकिंग हो जाएगी। तो मैं अभी
ऑल करके बेक कर देता हूँ, और बेक हमने 1 से 250 सेट किया हुआ है। अब देखो ये बेकिंग फ्लूड बेक हो रहा है परसेंटेज में। जब ये बेक जो होना है कि टाइम लगाता है अपने पीसी के परफॉर्मेंस के हिसाब से, जितना ज़्यादा रैम होगा जितना ज़्यादा ग्राफिक्स होगा। मेन यहाँ पे रैम यूज़ होती है, ग्राफिक उतना यूज़ होता नहीं है, ग्राफिक रेंडरिंग में यूज़ होता है। तो जितना रैम अच्छा होगा उसके हिसाब से ये बेक होगा। तो इसको पूरा बेक हो जाने देते हैं। देखो ये अभी हमारा बेक हो चुका है, मेरा पीसी भी इतना फास्ट नहीं है, मैंने फास्ट फास्ट फॉरवर्ड किया है वीडियो को, ठीक है। अब जैसे बेक होने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो क्या होगा आपका जो सिमुलेशन ये स्मूथ चलता है, जब आप प्ले करोगे तो इतना ज़्यादा लैग नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रेम पर सेकंड देख सकते हो, ठीक है। उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है बट ठीक है, उतना बुरा भी नहीं है। देखो ये फ्लूड फील हो रहा है, ठीक है। अब एक और चीज़ से ये लो के देखो, हाँ अभी गिर रहा है नीचे, है ना। ये गिर उस डोमेन में ही रहा है, देखो यहाँ पर एक गिर के पूरा डोमेन को ही फील करने वाला है ना। तो ये हमारा बेकिंग हो गया। तो बेकिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि तो स्मूथ चलता है, दूसरी बात क्या है कि आप जिस फ्रेम पे जाओगे उस फ्रेम के हिसाब से जो बेक होगा वो वहाँ पे दिखा देगा। जैसे मैं यहाँ आऊँगा तो ये इस पूरी पोजीशन को दिखा देगा, तो उस फ्रेम के हिसाब से ये उस बेकिंग को दिखाता है, ठीक है। तो ये बेक हो चुका है। अब बस अब तो सिंपल सी बात है, इसको आप शेड स्मूथ कर दो थोड़ा, है ना, ताकि थोड़ा स्मूथ फ्लूड टाइप दिखे। देखो अभी भी उतना स्मूथ नहीं है क्योंकि क्या है, हमने रिजोल्यूशन जो सेट किया है 50 है। आप जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन सेट करोगे उतना अच्छा स्मूथ फ्लूड रहता है, बट उतना ज़्यादा आपको बेकिंग में टाइम लगेगा। उसके बाद आपको करना है टेक्सचरिंग, ठीक है। तो रेंडरिंग मोड में जाते हैं, सीन वर्ल्ड को अनचेक कर देता हूँ। तो ये हमने पहले ही बना रखा था कप का। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको हमारे फ्लूड को कलर देना है। तो बेसिकली हमको हमारे डोमेन को कलर देना है। तो देखते हैं, इसको कलर देने के लिए मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाके न्यू पे क्लिक किया। देखो अगर हम वाटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रॉपर्टीज़ लगती है वैसी सेटिंग यहाँ पर करना होगी। तो पहले तो हम रफनेस को बिल्कुल 0 के पास ही कर देते हैं, है ना। वाटर एकदम रफ नहीं होता है, ठीक है। इसको हमने रफनेस एकदम कम कर दी, ट्रांसमिशन फुल कर देते हैं वाटर का, ठीक है। थोड़ा सा हम फ्रेम को आगे बढ़ा के देखते हैं। देखो अब देखो इसमें थोड़ा वाटर का इफेक्ट तो आया है ना, रफनेस वगैरह का, बट उतना अच्छा नहीं लग रहा है अभी, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अभी हम जो है ईवी मोड में हैं। देखो अगर इसी को हम साइकिल मोड में देखेंगे तो एकदम अलग इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो ट्रांसमिशन होता है तो साइकिल मोड में अलग दिखता है। अब पहले तो हम क्या करते हैं कि एक बेस इसको दे देते हैं ताकि जो बैकग्राउंड का ब्लैक कलर है वो ना दिखे और हमको हमारा बेस दिखे बस, ठीक है। और बेस वाइट कलर का इसके लिए। अब अगर रेंडर व्यू में देखेंगे तो देखो ये थोड़ा सा अभी टाइम लेगा क्योंकि साइकिल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है रेंडरिंग करने में। पर आप देखो कि ये जो क्लियर एकदम वाटर बन गया है ना, जैसा ईवी में उतना अच्छा क्लियरिटी नहीं आ पा रही थी, बट साइकिल में क्लियर हो गया है। तो अगर हमको और थोड़ा जैसा अभी क्या है, हमारा सीन वर्ल्ड अनचेक है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके पास वर्ल्ड है वो ले रहा है। आप अपने हिसाब से कोई HDRI लगा सकते हो उस पर, या आप चाहो तो खुद की लाइटिंग कर सकते हो। तो अगर मैं सीन वर्ल्ड को चेक कर दूँ, और यहाँ पर हमने लाइट को अभी हाइड कर रखा है, इसको अनहाइड कर देते हैं और थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं लाइट में। इसको हम एरिया लाइट बना देते हैं, स्क्वायर करके इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये शाइननेस, तो इसको जब आप रेंडर करोगे ये बिल्कुल वाटर जैसा इफेक्ट दे रहा है। देखो ये लाइटिंग जितनी प्रॉपर करेंगे, अगर हम चाहते तो एक और लाइट हम इधर लगा लेते हैं, इसको शिफ्ट डी और इस साइड थोड़ा सा इसको वाई में ग्रैब करके
और इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा लाइटिंग करोगे उसके हिसाब से इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, अगर इसको हम रेंडर्ड व्यू में देखें इसको पूरा हम, हाँ, रेंडर करने से पहले यहाँ पर डी नॉइजिंग का जो ऑप्शन है इसको आप चेक कर देना, क्योंकि वरना जो अभी आपको नॉइस दिख रही है ये वैसी नॉइस दिखाई देगी रेंडरिंग के बाद भी। तो डी नॉइजिंग में जो रेंडर है इसको चेक कर दो, और अगर व्यू पोर्ट में भी चेक कर दोगे तो व्यू पोर्ट में भी यहाँ से नॉइस गायब हो जाएगी, बट उतना ज़्यादा टाइम लेगा वो रेंडरिंग होने में, है ना। देखो अभी रेंडर हो रहा है, तो व्यू पोर्ट से हम अनचेक कर देते हैं इसको और रेंडर व्यू में जाके इसकी इमेज को रेंडर करके देखते हैं। तो देखो ये रेंडर हो गया है ना, रेंडर होने में टाइम लगा इसको क्योंकि साइकिल्स में हमने रेंडर किया है। ठीक है, अब अभी भी अगर आपको थोड़ा मतलब फ्लूड से सेटिस्फाई नहीं है कि वाटर जैसा नहीं लग रहा, तो ये आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसकी विस्कोसिटी वगैरह आप चेंज कर सकते हो, है ना, आपके डोमेन सिलेक्ट करके, है ना, जहाँ पर आपको जैसे आप बेकिंग पहले कर चुके हो तो फ्री करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ थोड़ी चेंज कर सकते हो। तो जैसे अगर इसको मैं फ्री करूँ अभी, ठीक है, तो अभी फ्री किया तो ये पूरा गायब हो गया क्योंकि इसका डोमेन अब क्योंकि बॉक्स ही था ना ये। तो यहाँ पर आप इसकी विस्कोसिटी वगैरह चेंज कर सकते हो डिफ्यूजन ऑप्शन में, इसको चेक करोगे यहाँ बेस और एक्सपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पहले से कुछ फ्लूड दे रखे वाटर ऑयल हनी, है ना, उसके हिसाब से आप विस्कोसिटी सिलेक्ट, तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, जैसे अभी 1 और 6 है बेस और एक्सपोनेंट, वाटर आप सिलेक्ट करोगे यही रहेगा, ऑयल सिलेक्ट करोगे बेस एक्सपोनेंट, तो ये बेस और एक्सपोनेंट की आप वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज करके आप जो फ्लूड की विस्कोसिटी वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हैं, फ्लूडिटी कितनी है उसकी। तो आपको जिस टाइप का फ्लूड चाहिए उसके हिसाब से सारी वैल्यूज सेट करो और उसके बाद उसको फिर से बेक कर लो, है ना, तो वो उसके हिसाब से बिहेव करेगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास में बस इतना ही था, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल पिनव्हील एनिमेशन स्टूडियोज़। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।